जय हिंद यार। जब भी 26 जनवरी की बात आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में देशभक्ति और संविधान से जुड़ी कुछ यादें सामने आती हैं। लेकिन जो दूसरी सबसे जरूरी और लाजमी सी चीज है यार, वो आती है दिमाग में झांकियां। यार देखिए, 26 जनवरी को हम झांकियों के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन झांकियां तो यार 26 जनवरी की शान है। और लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी यार ये भी सवाल आया होगा कि जो झांकियां हैं, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट की कौन सी झांकी होगी, कैसी टाइप की झांकी होगी, और क्या सारी स्टेट झांकियां अलाउड होती हैं? ये तो खैर मैं अभी बता देता हूँ कि यार देखिए, सारी स्टेट्स जो मिलाकर जो झांकियां हैं वो नहीं आती हैं। आप देखेंगे कि आप कभी कभार कुछ कुछ स्टेट्स की झांकियां रह जाती हैं, यानी कि वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं उस साल की परेड में। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या सारी की सारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज की झांकियां नहीं आती हैं? तो इसका क्या रीजन है? और ये कौन डिसाइड करता है कि अच्छा आपकी बार आपकी स्टेट की जो झांकियां वो नहीं आएगी, आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की झांकी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो झांकियां हैं यार वो किस टाइप की होती हैं, कौन डिसाइड करता है? मतलब एक स्टैंडर्डाइज तो आप जानते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड सेट कौन करता है और क्या क्या स्टैंडर्ड एक्चुअली में है? इन सभी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारी लेने के लिए आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैनल पे आए हैं और एक इंटरेस्टिंग इंसान से मिले हैं। सो मेक श्योर इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर दें विशेष नॉलेज दानी को, एंड जल्दी से बिना इंटरेस्ट को लूज करें हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पर सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सारे रिपब्लिक डे परेड जो है यार, उसकी मेन जो जिम्मेदारी होती है वो होती है डिफेंस मिनिस्ट्री के कंधों पर। तो हर साल यार अराउंड अराउंड सितंबर के टाइम पर ही ये एक इनवाइट करती है किस किस को, सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज को, कि वो परेड में पार्टिसिपेट करें अपनी झांकियों के द्वारा। जैसे कि यार सितंबर 16 को, यानी कि अगर आप 2022 में झांकियां देख रहे हैं तो उसके लिए 16 सितंबर को ही यार तैयारियां शुरू हो गई थी, यानी 16 सितंबर को ही लेटर्स भेजने शुरू हुए थे। जो सेक्रेटरीज होते हैं वो भेजते हैं ऑफकोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किस किस को, यानी कि 36 जो कुल मिलाकर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको, जो 80 यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको, और एक तरीके से इनविटेशन होता है कि वो पार्टिसिपेट करें। और ये जो प्रपोजल है, मतलब आपने लेटर भेज दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर भेज दिया, उसके बाद जो ये जो सभी अथॉरिटीज होती हैं या फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं एंड जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, वो अपनी प्रपोजल्स वापस से एक तरीके से सेंड करती हैं। उनको अराउंड अराउंड 10 दिन का टाइम दिया जाता है, 10-11 दिन का। जैसे आपके पास 27 सितंबर तक उनको अपने प्रपोजल्स भेजने थे वापस, और यार अराउंड अराउंड अक्टूबर के सेकंड वीक तक ये जो पूरी शॉर्टलिस्टिंग जो प्रोसेस है ना यार, वो शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि यार 26 जनवरी को परेड है, उसके लिए देखिए कितने पहले से तैयारियां शुरू हो रही हैं। क्योंकि यार एक छोटी सी चीज नहीं है कि चलो यार उठा के कोई भी घोड़ा गाड़ी नहीं दौड़ानी है वहां पर, यार पूरे विश्व की नजर होती है इस पर, और हर भारतीय के उस दिन रिमोट पे यार केवल डीडी नेशनल लगा हुआ होता है कि मतलब सभी की परेड के ऊपर ध्यान है। तो यार ये इतनी छोटी चीज कैसे हो सकती है? इसीलिए जो अथॉरिटीज होती हैं, जो रेस्पेक्टिव जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और इसलिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें जो हमें फॉलो करने होते हैं। और आइए हम आगे इसी के बारे में अब जानते हैं। देखिए यार, एक वाली सवाल एक ये हो सकता है कि क्या जो कि जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो कुछ भी डिबिट कर सकते हैं अपनी झांकियों के द्वारा? देखिए ऐसा नहीं कि हर कुछ नहीं, लेकिन आपको दिमाग में ये बता सकता है कि मतलब कुछ कुछ, जैसे उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि अपने मन से जो भी चाहे वो डिबिट कर दें झांकियों में। जी नहीं, देखिए वैसे तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेट्स होती हैं, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने एलिमेंट से रिलेवेंट जो है वो अपनी झांकियों में डिबिट करना होता है। लेकिन एक तरीके से उनको थीम भी दी जाती है जिसके अंडर रहना होता है उनको, या फिर एटलीस्ट उससे कुछ मैच खाना चाहिए। जैसे कि इस साल की थीम दी थी यार 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यानी उनको इससे रिलेटेड कुछ थीम रखनी, यानी कुछ अचीवमेंट्स बता सकते हैं वो कि 75 साल में क्या क्या नए आइडियाज हैं, इनोवेशन, यानी कि इससे रिलेटेड उनको कुछ तैयार करना होगा, कुछ दर्शाना होगा इस देश को। देखिए यार, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने भी शेयर कराया है कि मतलब कुछ गाइडलाइन शेयर कर रखी है कि भाई जो झांकियां होती हैं उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं नहीं नहीं, उसमें होनी चाहिए, यानी कि शुड बी इंक्लूडेड। कि जैसे यार उसमें बोल रखा है कि जो झांकिया है उसको बनाते वक्त कुछ यंग क्वालिफाइड डिजाइनर्स फ्रॉम रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से ताकि क्रिएटिव और एज वेल एज प्रोफेशनल टच आपकी झांकियों की डिजाइन में दिखे। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ताकि डिस्प्ले वॉल्स, ताकि जो वो कंटेंट है, जो इमेजेस हैं, वो इजीली देखने योग्य हो सके, एक ब्राइट डिस्प्ले वहां पर हो, आपकी जो इमेजेस हैं वो दूर से भी दिख सके। साथ ही साथ वहां पर आप 3D कुछ 3D इमेजेस का यूज कर सकते हैं, कुछ मूविंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं यूजिंग रोबोटिक्स ऑफकोर्स, ताकि वो एक और क्रिएटिव और आई अट्रैक्टिंग लगे यार।
साथ ही साथ एक और गाइडलाइन है कि यार जो कि दो स्टेट्स है या फिर दो यूनियन टेरिटरीज है, यानी मतलब इनकी जो झांकियां हैं उनका जो कंसेप्ट है बिल्कुल बहुत ज्यादा सिमिलर सा नहीं होना चाहिए, यानी कि क्योंकि झांकियों का कंसेप्ट ही इस चीज पर आधारित है कि वो हमारे देश में डाइवर्सिटी दिखाएं, यानी कि दो अलग अलग कल्चर्स हैं, जो अलग अलग दो स्टेट्स हैं तो उनमें क्या क्या विभिन्नता है वो दर्शाएं ये झांकियां और उनके कल्चर को बढ़ावा दें। और एक जो मेन गाइडलाइन है वो ये भी है कि जो आप देखते हैं ना कि नाम लिखा हुआ होता है तो उसमें यही बात है कि जो झांकियां हैं उसमें कुछ और राइटिंग या फिर किसी भी टाइप का लोगो बिल्कुल वर्जित है, लेकिन आप केवल आपको नाम लिखना है अपने स्टेट्स का या स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना होता है, ऐसे नहीं है आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दें उसको। यानी इसमें यह भी होता है कि आप हिंदी में लिखेंगे फ्रंट साइड पर, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे उस चीज का नाम बैक साइड पर, और जो रीजनल लैंग्वेज है आपकी पर्टिकुलर, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां की कोई रीजनल लैंग्वेज, ऑफकोर्स आप उसको दर्शा सकते हैं वो भी साइड साइड पर, यानी कि जो साइड वाला जो पार्ट होता है उन साइड पर आप एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ फ्रंट साइड में हिंदी में और बैक साइड में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइन है ये। और साथ ही साथ यार ये भी कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि यार प्लास्टिक्स का कम यूज करें, यानी कि मोर इको फ्रेंडली तरीके से डिजाइन करी जाए ये जो झांकियां हैं। अब यार आता है मेन पार्ट, और मैं समझता हूँ इस वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको मतलब पढ़कर यार मेरे को काफी मजा आया था, यानी कि जो झांकियां वो सेलेक्ट कैसे करी जाती हैं। देखिए यार आपको भी पता, जैसे मैंने बताया कि 80 यूनियन मिनिस्ट्रीज को साथ ही साथ 36 कुल मिलाकर जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको लेटर भेजा गया इन्विटेशन के लिए, तो क्या ये सारी की सारी झांकियां हमें देखने को मिलती हैं? ऑफकोर्स नहीं यार, कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर वो सब सारी झांकियां चलने लगी। इसीलिए यार जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक कमिटी का गठन करती है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी वैराइड फील्ड से, यानी कि एक्सपर्ट्स होते हैं हर एक जरूरी फील्ड से जो कि झांकियों में इंक्लूडेड हो सकता है, जैसे कि एक्सपर्ट्स होते हैं आर्ट फील्ड से, म्यूजिक फील्ड से, कोरियोग्राफी से, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, कल्चर, म्यूजिक, मतलब ये इन सभी अलग अलग क्षेत्रों से जो एक्सपर्ट्स होते हैं यार वो इस कमिटी में शामिल होते हैं, और वो ही मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करते हैं कि कौन सी झांकियां जानी चाहिए आगे वहां पर परेड में, और कौन सी झांकियों को इस बारे में नहीं भेजना चाहिए। जैसे कि जो झांकी है उसका सबसे पहले जो प्रपोजल दिया गया था ना, कि जब आपने इनविटेशन दिया उसके बाद प्रपोजल आया था सभी स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज उनके द्वारा कि भाई हाँ हमारा ये प्रपोजल है, यानी हम ये झांकियां इस तरीके से भेजना चाहते हैं। जो प्रपोजल होता है उसमें से जो बेसिक सबसे सिंपल टाइप का जो स्केच होता है ना आपकी इस झांकी का, जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ यार इस टाइप की मुझे झांकी रिपब्लिक डे परेड में इस साल लेकर जानी है, तो उसका जो स्केच होता है बेसिक स्केच या फिर जो डिजाइन है वो सबमिट करा जाता है, तो वो जो कमेटी है उसको रिव्यू करती है, यानी कि उसको देखती है कि अच्छा यार ये स्केच में ये है, अच्छा ओके ऐसा कैसा करेगी वो, और फिर वो बताती है कि अच्छा पर्टिकुलर उसको लगता है कि हाँ यार ये अच्छी है जा सकती है आगे, तो इसमें छोटा मोटा अगर कोई मॉडिफिकेशन है बेसिक लेवल का तो वो बता सकते हैं कि यार आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए और बेहतर हो सकती है, तो वो सजेशन दे देती है। और साथ ही साथ जो स्केच होता है या फिर डिजाइन होता है वो काफी सिंपल रखी जाती है, थोड़ी सी कलरफुल होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेलिंग नहीं करी जाती उसमें, क्योंकि उनको एक तरीके से ओवरव्यू लेना है, उसका एक आइडिया लेना है कि हाँ यार एटलीस्ट जो इनका आइडिया वो ऐसा होना चाहिए कि जो देख कर ही समझ में आ जाए कि वो क्या बताना चाहते हैं, यानी वो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए उनका जो स्केच है। और अगर मान लीजिए कि जो झांके है कोई स्टेट है वो चाहते हैं कि मेरा डांस हो, मतलब वो झांके में इंक्लूडेड, ऑफकोर्स वो डांस की तो फोटो बनाना के नहीं भेजेगी ना कि वो ऐसे तुम्हारा पता कैसे चलेगा, उसके लिए वो एक ट्रेडिशनल डांस होना चाहिए, ऑफकोर्स मतलब ट्रेडिशनल यानी कि फोक डांस होता है वो ही होना चाहिए, और वो जो फोक डांस है वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर भेज सकते हैं ताकि जो कमिटी है उसकी आइडिया लग जाए कि इनका क्या विचार है इस झांके को लेकर। देखिए यार ये अप्रूव होने का प्रपोजल आपका अप्रूव होने के बाद आपको एक जो 3D मॉडल होता है वो आपको सबमिट करना होता है कमेटी को। देखिए सबसे पहले आपने क्या करा था, नॉर्मल एक तरीके से प्रपोजल सबमिट करा था कि जिसमें आपने सिंपलेस्ट वे में एक तरीके से बहुत ही सिंपल ड्राफ्ट था यार वो, कि भाई हाँ मुझे ये पर्टिकुलर झांकी चाहिए, आपने केवल आइडिया को यहां से निकाल के यहाँ पे पन्ने पर रखा था सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल में। उसके बाद आपको लगा कमेटी को लगा कि हाँ यार ये थोड़ा ठीक है, तो उसने कहा कि चलिए आप मुझे 3D मॉडल दिखाइए। तो अभी जो 3D मॉडल होता है ना यार तो वो एग्जामिन करा जाता है दोबारा से एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अच्छा यार इसमें, और जो 3D मॉडल होता है यार वो काफी बारीकी से देखा जाता है, यानी कि उसमें बहुत ही सारे कंबाइनिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्जामिन करे जाते हैं बिफोर इट्स फाइनल सिलेक्शन, यानी कि उसमें जो कमेटी होती है काफी चीजें एक साथ देखती है कि यार उसमें क्या म्यूजिक रेलेवेंट है, क्या वो थीम से मैच कर रही है जो इन्होंने झांकी की जो डिजाइनिंग अभी भेजी है बारीकी के साथ, किस लेवल की बारीकी इन्होंने इस 3D मॉडल में दिखाई है, और क्या ये आइडिया पेश करना चाहते हैं, यानी कि बहुत ही सारी क्या इम्पैक्ट जो होता है मासेस के ऊपर क्या पड़ेगा और कितनी ज्यादा अपीलिंग है यार ये, तो यानी बहुत ही सारे जो कंबाइनिंग फैक्टर्स हैं वो एक साथ एग्जामिन करे जाते हैं कमेटी के द्वारा, इवन जो फाइनल है यार वो मतलब फाइनली शॉर्टलिस्ट करने से पहले भी, एलिमिनेट करने से पहले भी यार वो 6-6 बार मीटिंग्स करते हैं एक्सपर्ट्स एंड कमेटीज की, भाई हाँ ये वाली झांकी जाएगी नहीं जाएगी इसमें, मतलब शॉर्टलिस्टिंग का एक बहुत ही रिगरस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है वो, इसी वजह से है क्योंकि वो किसी भी
आइडिया को यूं ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ किसी भी एक लेस डिजर्विंग कैंडिडेट को जगह नहीं दे सकते कि भाई वो जा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी यार स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली रेस्पेक्टेबल है, तो उनको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मिनिस्ट्री को तवज्जो दे सके या फिर किसी भी स्टेट को ना तवज्जो दे सके कि नहीं भाई हमें तो उस स्टेट का लाने लाना है, जी नहीं, ये काफी अनबायस तरीके से जो प्रोसेस होती है वो करी जाती है। इवन एंड जो लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, यानी जो इन्वाइट कर रहा होता है सभी मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स को प्रपोजल्स के लिए, उसमें भी इवन साफ साफ लिखा हुआ होता है कि द फाइनल सिलेक्शन डज नॉट गारंटी योर मूवमेंट इन द फाइनल परेड इफ इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ द फाइनल अप्रूव्ड वर्जन ड्यूरिंग द सिलेक्शन राउंड। यानी कि उसमें भी एक तरीके से गारंटी नहीं कर रहा है कि वो आपकी जाएगी जाएगी, अगर आपने लास्ट मोमेंट पर आपने सोचा कि नहीं नहीं यार मेरे को तो यही वाले टाइप का सा पसंद था, जी नहीं, आपको एक तरीके से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। जो कमिटी ने अगर आपको सजेशन दिए आपके अप्रूव करने से पहले कि यार मुझे ये अप्रूव्ड वर्जन कराया हमने कि आपको इसमें ये थोड़े से चेंजेस लाना है फिर ये फिट हो जाएगी राष्ट्रपति के लिए, तो उससे लास्ट मोमेंट पर आपको उसे कुछ चेंज करके वहां पर नहीं पेश कर देना है, तो क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है इस चीज का। तो यार अब एक लास्ट रिलेवेंट सवाल हम एड्रेस कर सकते हैं कि क्या जो झांकी है एक पर्टिकुलर साइज की होनी चाहिए। तो यार जी हाँ, देखिए इवन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड करती है हर जो पार्टिसिपेंट है उसको एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर के साथ, ट्रेलर यानी कि फिर से आप ट्रोले बोल सकते हैं या फिर जिसकी जो खींची जाने वाली गाड़ी, मतलब फिर से गूगल ट्रांसलेट का प्रॉपर यही है, तो जो साथ में आप समझ गए जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, तो वो पर्टिकुलर साइज की होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से वो एक दो चीजें प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मतलब वो वर्जित है कि आप कोई और टाइप का व्हीकल ले आए उठाकर, या फिर आप कोई पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो इस टाइप का सा ट्रॉली चाहिए या फिर इस इतनी बड़ी ट्रॉली चाहिए, जी नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने सभी को एक तरीके से इक्वल चांस दिया होता है और इक्वली टाइप के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपकी झांकियों में, सभी झांकियों में, इसलिए वो प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर साइज की भी। यानी कि एक जो ट्रॉली होती है यार उसकी जो इवन साइज है वो भी प्रॉपरली मेंशन है कि वो अराउंड अराउंड 24 फीट और 8 इंच लंबी होनी चाहिए, और जो 8 फीट चौड़ी और साथ ही साथ 4.2 फीट ऊंची होनी चाहिए, और उसमें जो लोड बियरिंग कैपेसिटी यानी कि जो भार उठाने की क्षमता है वो 10 टन होनी चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर एक गाइडलाइन है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने दे रखी है ताकि सभी जो झांके हैं उनको एक बराबर से वो दिखे और एक प्रॉपरली मतलब मैनेज तरीके से वहां पर हमारे देश की शान में वहां पर आगे बढ़े। तो यार ये था एक छोटा सा, आई डोंट नो कि छोटा या बड़ा, यार देख लेता हूँ मैं, यार वीडियो तो काफी लंबा हो गया है। तो ये था वीडियो आप सभी के लिए यार इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ अगर आपने इस वीडियो यहां तक देखा है, सबसे पहले यार जय हिंद जय भारत, और सबसे पहले आप जाकर नीचे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैं कमेंट में इंतजार करूंगा यार। अच्छा और कुछ ना डालें, एटलीस्ट जय हिंद तो यार आज के दिन आप डाल सकते हैं, और आप चैनल पर नए तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि भैया आप कौन सी भी कोई सी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर आपकी मान लीजिए इस साल झांकी ना आए तो प्लीज उदास मत होइएगा यार। देखिए सभी जो झांकियां यार एक तरीके से बस प्रदर्शित करती हैं हमारे अलग अलग कल्चर्स को, आप जो भी स्टेट हैं या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी हैं, आप सभी राज्य हम इस देश के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस देश को सभी जो संस्कृति है ये डाइवर्सिटी है विभिन्नता है यार, ये तो मिलकर इस देश को मान बनाती है। और तब तक के लिए यार खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और अपने भारतीय होने पर गर्व करिए।